तो यहाँ पे करना क्या होता है एक्चुअल में, देखो ये सारा का सारा सामान रखा है, तो अब इसको यहाँ पे बैठा देंगे पर्टिकुलर, जिस भी चीज को ये हाथ लगाएगी ना, माना जाता है फ्यूचर में उस चीज की तरफ वो ज्यादा जाएगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल चाल, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज सुबह सुबह भाई यहाँ पे देखो आप बनाने जा रहा हूँ चटनी, क्योंकि कल थी वो बबरू वगैरह आप जो बनाए थे बसंत में ना, तो आज सुबह सुबह बनी है खिचड़ी। ऐसे में सोच रहा था खिचड़ी के साथ मैंने कहा चटनी हो जाए ना, इंटरेस्टिंग हो जाएगा। सुबह सुबह पोपट हो गया यार, आप देख सकते हो यहाँ पे इतनी देर में शीट को घुमाया लेकिन अभी तक भी ऐसे ही ऐसे अंदर प्याज पुदीना वगैरह पड़ा हुआ है, शायद से थोड़ा पानी डालना पड़ेगा। चलो अब देखा जाए कि कुछ बना है या नहीं बना। जी हाँ, फाइनली दोस्तों हमारी चटनी तो हो गई है यहाँ पे तैयार, और मम्मी जी सुबह सुबह सारे गांव में बांट रहे हैं प्रसाद। नोटिस किया होगा आपने, बड़ी बार ऐसा होता है कि हमको कोई प्रसाद देके जाता है, खासकर खिचड़ी और देसी घी के साथ में, तो खाने में बड़ा टेस्टी लगता है और बाद में दिल बोलता है कि थोड़ा सा और दे दो ना, बट हम बोल नहीं पाते। खैर अभी तो बनी खिचड़ी है, रात को कांड हो गया है। वायरलेस चार्जर आप देख सकते हो यहाँ से ये निकल गया पूरा का पूरा, और ये वाली पिन खाली इसके अंदर ही रह गई, कि कभी किसी काम का रहा नहीं वायरलेस। शुक्र की बात तो ये है कि इस फोन में ये वाला चार्जिंग जो वो लग गया है दीक्षु का, दीक्षु भी आई हुई थी, दीक्षु का फोन मैंने निकाल दिया, वो बेचारी दीक्षु की बैटरी लो है। लोग तो लोग यहाँ पे देखो, कुत्तों को भी खिचड़ी नसीब हो रही है। खोखो ओए गुड मॉर्निंग। खाना आज का स्पेशल है दोस्तों, क्योंकि आप ये देख सकते हैं खिचड़ी साथ में देसी घी, अपना खेत का खीरा, खेत की मिर्ची और साथ में आलू और ये वाले बबरू आ गए, चटनी मतलब मजा ही आ जाएगा। खाना पीना दोस्तों कंप्लीट हो गया, एंड सही बताऊं ना, आज मैं बड़ा वेट कर रहा था एक इंटरेस्टिंग सी चीज का, मतलब एक रस्म का इंतजार हो रहा था जो कि हमारे कल्चर में की जाती है। एंड दोस्तों इस रस्म के अकॉर्डिंग ना, आपको पता है मेरी ये प्यारी सी भांजी है ना, आप देख सकते हैं आज किस तरह से पूरा सजज के बैठी है। हेलो 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 हेलो। तो दोस्तों यहाँ पे करना क्या होता है एक्चुअल में, देखो ये सारा का सारा सामान रखा है, तो अब इसको यहाँ पे बैठा देंगे पर्टिकुलर, जिस भी चीज को ये हाथ लगाएगी ना, माना जाता है फ्यूचर में उस चीज की तरफ वो ज्यादा जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर वो इसको हाथ लगाती है तो बड़ी होकर वो खेतों में काम करेगी, ये करती है तो उसके पैसों के पीछे ज्यादा रहेगी, या फिर यहाँ पे बुक्स और ये कुछ गहने कुछ ऐसे ऐसे करके एक बड़ी फनी सी, ऐसा होता भी है क्या एक्चुअल में? पता नहीं, बोलते तो है मेरे को। मम्मी ऐसा हुआ था? वाह होता है। जब मैं छोटा था तो मैंने किस चीज को लगाया था हाथ? खाने के लिए। खाने के लिए? सच में? और कबू ने? नहीं नहीं, तूने खाने के लिए, तेरा तो ध्यान है चीजों से बड़ा चलता है, रेडियो वगैरह मोबाइल वगैरह। अच्छा अच्छा, मैंने तो नहीं नहीं, तो फिर मैंने हाथ किसको लगाया था? ये लगा दिया तूने, ये रख दिया तो किसी की बात लगा। मैंने कहा मैंने उस टाइम पे किस चीज पे हाथ लगाया था? मोबाइल। तो कुछ रखा होगा वहाँ पे? ये बोलो ना, सीधी सी बात है, झूठ क्यों बोल रहे हो? क्या हो रहा है टिट्टू, क्या हो रहा है? इधर देख, यहाँ देख, यहाँ देख, यहाँ देख। तो देखते हैं कि क्या चीज जो है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर दी है। तो देखो यहाँ पे तैयारी हो रही है दोस्तों, एंड दीक्षु को क्या खतरा लग रहा है, मेरे को लग रहा है ये खाने की तरफ ही जाएगी। वैसे तो खुद से हिल नहीं सकती है, बस थोड़ा सा पैरों से सपोर्ट करना पड़ता है, फिर ही आगे जाती है। और दीक्षु को पता है कि खाने को ना लेकर भाई अपना मतलब हाथ जो है ना वो मुंह में डाले रखती है, तो देखते हैं कौन सी तरफ जाती है, किस चीज को पहले टच करती है। चलो चलो इबू, चलो 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 चलो। नाक लग गया यार इबू के नीचे, ऐसे मत चलाओ ना। रुको रुको, राउंड टू राउंड टू। ये चाहती है, मतलब ऐसा नहीं कि रो रही है दोस्तों, आप ऐसा मत समझना, ये चाहती है आगे जाना, थोड़ी चिढ़ जाती है इसलिए ऐसे जोर से चीखती है। ये देखो 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 देखो, पहुंचने वाली है, पहुंचने वाली है, पहुंचने वाली है। ओ चलो, बुक को हाथ लगा दिया यहाँ पे, एंड बड़ी और, अच्छी बात है, अच्छा पढ़ेगी लिखी। दूसरी चीज क्या चाहिए? बुक्स तो चलो कंफर्म होगी कि इबू एजुकेशन में ज्यादा इंटरेस्टेड रहेगी अगर इसके हिसाब से देखा जाए। और खाना, पैसे, वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत बहुत सही, बहुत सही, बड़ा अच्छा। तीसरे दोनों दोनों, चलो ठीक है, बढ़िया, पैसे तो वही पकड़ भी लिए उसने। देखो शिबू, वो फाड़ना मत मेरे लिए, वो वीडियो बनाने के लिए भाई, ऐसे ऐसे करके सिलेक्ट करती रहेगी, अभी तक भी लगी पड़ी है, बस पूरा जोर लगा रही है तब से। ये इसकी मेन चीज जिसके पीछे तरस रही थी, खाना, और वो भी पर्टिकुलर इबू ने पकड़ लिया है। बाकी किसी ने चीजें थोड़े साइड में भी रखी थी, तो क्या पता यार, मतलब यही होता है ना, मेरे को तो लगा था मैं इस तरफ कैमरा कर रहा था, बट हाथ इसने यहाँ पे लगा दिया, तो बढ़िया है, ठीक है, अच्छी बात है, बहुत मजा आया पर्टिकुलर। क्या हुआ? पैसे देखो, पैसे हुई है क्या रंग? ओहो ओहो, नहीं नहीं,
वो मैं तरमा ऐसा मत करो। उठा रही थे कितनी देर से रखा है। के ऊपर रखा हुआ वैसे। देखो इसका बोलने का मतलब समझे हो, वहाँ से कमाऊंगी और वहाँ से बढ़ाऊंगी समझे हो। और देखो थोड़े पैसे तो इन्होंने बढ़ा भी दिए यहाँ पे अभी अभी, तो अभी तक यहाँ पे फंड चल ही रहा है, मान नहीं रहे। और अभी देखो भाई इसने पता क्या किया, सारे पैसे देखो किधर किधर फेंक दिए। इसको उठाओ तो सही, एक बार उठाओ यार थक गई होगी अभी। इब्बू बस करो, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, कुछ नहीं चाहिए मेरे को, कुछ नहीं चाहिए। इब्बू इब्बू यहाँ देखो, इब्बू इब्बू यहाँ देखो। हेलो कैसा मेरे इब्बू, कैसा है? थोड़ी सा लाइट ऑन कर रखा था, इसकी आंखों को ना दिक्कत हो सकती है, इसलिए हल्की हल्की लाइट देनी पड़ती है। और देखो क्या हुआ, क्या हुआ बताओ, क्या हुआ बोलो। नहीं नहीं आपने कहा कि इसमें कुछ मत बोलना, एक्चुअली ना दोस्तों मम्मी मम्मी ने थोड़ा सा स्कैम कर दिया है, मैं आपको कभी बताऊंगा, पर्सनल स्कैम हो गया मम्मी की एक गलती की वजह से, जिसकी वजह से मम्मी फिर ऐसा चश्मा लगा के देखो क्या लुक आ रही है मम्मी की। मम्मी आप जैसे मान के चलो स्कैम के बारे में सब लोगों को ऐसे बोलो चश्मा लगा के, तो यू नो कैसा फील आएगा, क्या लगता है तुम्हें? बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा ना कुछ ऐसे। बॉलीवुड में कौन यार, मेरे को याद आ रही है किसी मूवी को देख के, किसी में तो दिखते है मम्मी की जैसे, एक होता है यार कोई गोलमाल में जो आंटी होती है वो ना। फिलहाल दोस्तों सभी चश्मे को ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि ये चश्मा इसलिए आया ना कि हमारे घर में आई फ्लू का जो है वो कहर मच गया है, दीक्षु को हो गया एक्चुअल में आई फ्लू, तो ऐसे करके दीक्षु जो है वो नहीं यूज कर रही फिलहाल अभी इसको, बट दीक्षु के लिए लाए थे, पहले मम्मी ने पहन लिया फिर कबू ने पहन लिया, और धीरे धीरे इसकी आंखें भी देखो मेरे को लगता है कि अच्छा क्लोज से देखा, क्लोज से क्लोज से ये देखो भाई रेड होने लग रही है, मेरे को लगता है कि ये भी कुछ हो जाएगा। पहन ले, ये बार बार मेरे को पहनना नहीं चाहिए, इससे सबको होगा यार। तुम्हें भी हुआ है क्या? नहीं हुआ तो मैं वो भी नहीं सकता कुछ, क्यों? किसी इंसान का नेचर होता है ऐसा। अभी चलो दीक्षु की हालत भी आपको दिखा देते हैं, ये देखो हालत बहुत खराब है मेरी। ऐसा हो रहा है ना दीक्षु, खुली की बंद है, इससे पूछो मैं आंखें खुली रखी, खुली 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 दिख रही है कैमरा में, नहीं लग रहा पता, बड़ी बड़ी आंखें दिख रही है इसमें तो, ये बड़ी होगी यार काफी दर्द चश्मा। खोल के दिखा दे सब लोगों को जिसने शॉर्ट वीडियो नहीं देखा है, फिलहाल इस तरह का कुछ होता देखा है, ठीक तो है ऐसे बिना बात की। अभी तो मैंने दवाई वगैरह भी डाली है। हाँ तो ऐसे चल ही रहा है, और इधर थोड़ा पता क्या है बांधने में लगा रही है, किस चीज की? लड़की लेने पड़ती है। ये भी है भाई, थक भी जाते हैं। सुबह दादा को लेके थक गए बच्चा, थक गए मेरे उत्तर को ले लेके, बड़ा प्यारी लगती है यार ये मुझे। तो सुबह खुशियां मना रहे थे, शाम के टाइम में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई, बट ठीक है अभी दवाई वगैरह डाल दिया, हल्की हल्की पेन हो रही है, वो सारा कुछ डन हो गया है। वैसे सुबह से मैं नोटिस कर रहा हूँ शाम होने को आई है, लेकिन अंधविश्वास का दूसरा नाम ना दीक्षु है यहाँ पे इसको। जीजू जी नमस्ते, पता इसको कितनी बार हम समझा चुके हैं कि ये जो आई फ्लू है ना, ये चश्मा पहनने से नहीं रुकता है, ये अपनी आंखों को देखो यार, ये नहीं मानती है, पता है हम कितनी बार बोल चुके हैं कि नहीं होता ऐसा। मतलब बहुत सारे लोगों ने थोड़ा सा फैलाया था ना बहम कि ऐसे एक दूसरे को आंखों में देखने से आई फ्लू हो जाता है, तो दीक्षु के अकॉर्डिंग में सीरियसली दीक्षु ऐसी है नहीं, वैसे पर्सनली हो रही है, इसको लग रहा है कि कहीं छोटी सी बच्ची को जो है वो आई फ्लू ना हो जाए, तो ऐसे करके भाई इस तरह से चश्मा पहन के बैठी है। रात को सोना भी इस तरह से है क्या? खोल के रखो। और जीजा का डर नहीं है बेचारे? जीजा को होगा, जीजा आपको हो गया आई फ्लू फिर? ये भी सही है, बोलते मेरे को हो ही नहीं सकता देखना, पर मेरे को लग रहा है ना एक एक का नंबर लगेगा मेरे को वैसे। हाँ सही बताऊँ तो पहले मेरे को एक चीज का फायदा हो गया। किस चीज का? मेरे मतलब दुकान में बिक्री हो गई आई फ्लू की, चश्मे की। वाह भाई ये तो बिजनेस आइडिया अच्छा था यार, मैंने ये नहीं सोचा था। 120 सही सही, फिर तो 4-5 चश्मे तो हमें लेने पड़ेंगे। तो देखो वैसे हिसाब से प्रॉफिटेबल भी बिजनेस है कहीं ना कहीं। चलो तुम बात चलो, क्यों आ रहे हो यहाँ आई फ्लू वाले में? छोटे बच्चों के लिए रखे दीजिए चश्मा वैसे। नहीं नहीं छोटे बच्चों के लिए भी रख लो ना। चिचू 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 बस ये हंसती रहती है भाई यार, एनी टाइम ना जब भी खोला आ जाओ आ जाओ आ जाओ बत्तर आ जाओ, अब देखना बेइज्जती करेगी। आजा 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 भी बत्तर आजा आजा भी बत्तर आजा आजा, ये हाथ उठाने की कोशिश कर रही है, इट मीन से आने की ट्राई कर रही है। ठीक है आजा आजा मैं बत्तर आजा आजा मैं बत्तर आजा आजा मामा के पास आजा 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 आजा, देखो आ जाती है ना पहुंचे तो थोड़ी वो हिसाब हो गया। देखो ये सब सिक्योरिटी कर रहे होते अपने घर के। हेलो हेलो कौन है, कौन 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 दिखा, क्यों भोंक रहा है? और कुत्ते को भोंकता है भाई, और पूरी मतलब प्रोटेक्शन दिखाता है अपनी तरफ से, ऐसी बात नहीं है।
छोटा सा खोलो, शॉश 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 शॉश। देखो गुस्सा देख रहे हो बेटा, बड़े कुत्तों के हाथ आ गया ना एक बार तो बच्चे का नहीं। वैसे दोस्तों हैरानी की बात होती है, क्योंकि जैसे जैसे कोई भी लड़की मदर बनती जाती है ना, तो उसके नेचर में ऑटोमेटिकली जो वो सारे के सारे चेंज आ जाते हैं। अब दीक्षु देखो कहाँ पे मेरे से लड़ती फिरती थी जब वो कुंवारी होती थी, आपने देखा होगा। बट एक्चुअल में अभी वैसे वो शुरू से भी इमोशनल है, बट आज की डेट में तो ऐसा है भाई, हम उसको बार बार समझा भी रहे हैं फिर भी वो नहीं मान रही। उसके अकॉर्डिंग ये कि बस मेरी बेटी को जो है वो आई फ्लू ना हो जाए, जिससे कोई प्रॉब्लम ना आए। खैर दोस्तों आज तो यार पूरा का पूरा दोपहर ही ऐसे मतलब घूमते घूमते काट लिया। अभी थोड़ी देर चलता हूँ, बैठता हूँ वापस रूम में जाके। बाकी होम स्टे बुक करवाना आपको तो करवा लो, बहुत से लोग मैसेज कर रहे थे एक्चुअल में होम स्टे के लिए, बट उस टाइम पे रोड ठीक नहीं थे। पिछले कुछ दिनों से हिमाचल में हालत ठीक नहीं चल रही थी, तो आप लोगों को पता है फिर मैंने भी ज़्यादा लोगों को मतलब रिप्लाई नहीं किया, बोला ही नहीं कि भाई आप लोग आओ, क्योंकि खतरा बिल्कुल नहीं लेना है, भले ही आराम से चलता रहे होम स्टे। बट अभी चलो फटाफट मैं चलता हूँ घर एंड बैठता हूँ काम पे। आजकल तो दोस्तों रूम भी शिफ्ट कर दिया गया मेरा, पहले मैं उस वाले कमरे में था, अब इस वाले कमरे में आ गया हूँ। इस कमरे की एक बड़ी अच्छी बात है ना, प्रॉपर कोल्ड कमरा है, मतलब इतना ठंडा दोस्तों कि यहाँ पे अभी सोना जो पड़ता है ना, तो वो कंबल रजाई देखो ना नीचे रख दिया है, इसी लेके सोना पड़ता है। अदरवाइज भाई इतनी ज्यादा मतलब यहाँ से पानी पानी आता है ना, आप देख सकते हो वॉल का पूरा पेंट जो निकल चुका है, यहाँ पे कोई भी रंग वगैरह यहाँ पे रहता ही नहीं है भाई। अब दोस्तों सही बताऊं मैं तो काम कर रहा हूँ भाई अपने कैफे के लिए ऑनलाइन डिलीवरी का। देखो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मेरे को ना सच में बता रहा हूँ पर्सनली चीज अच्छी नहीं लगती है कि चंबा में अभी तक इतना बड़ा चंबा है बट वहाँ पे ऑनलाइन डिलीवरी जो है वो हर जगह स्टार्ट नहीं हुई है। हालांकि आप कंपैरिजन करेंगे चंबा का किसी और बाहर की सिटी के साथ, जैसे धर्मशाला हो गया, इन जगहों पे कांगड़ा हो गया, सब जोमैटो वगैरह जो मेरे हिसाब से चलते हैं, तो ऐसे में मेरी एक सोच है पर्टिकुलर कि इन शहरों में भी ऑनलाइन फूड डिलीवर किया जाए। अब कैसा क्या रिस्पॉन्स आता है वो तो चलो देखने को मिल जाएगा। फिलहाल फ्रेंडली फूड नाम की एक एप्लीकेशन जो है वो प्ले स्टोर के ऊपर लॉन्च कर दी गई है, अभी उसके ऊपर ऑर्डर लेने स्टार्ट नहीं किया है, बस बेसिक थोड़ा बहुत काम चल रहा है। जितने भी डिलीवरी बॉयज है उनको बुलाएंगे, समझाएंगे, थोड़ी सी मीटिंग करेंगे, एंड उसके बाद में भाई जो कितने किलोमीटर दूर से ऑर्डर आएगा ना उसके अकॉर्डिंग जो चार्जेस लगा दिए जाएंगे एंड फूड जो डिलीवर कर दिया जाएगा। तो बस दोस्तों हम मेहनत करते रखते हैं जारी। आई होप आप लोग इससे अच्छी तरह से सपोर्ट करते रहेंगे। हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में मैं फिर से एक मीटअप टाइप रखूँ जितने भी व्लॉगर्स इन्फ्लुएंसर चंबा से जो मेरे से मिलना चाहते हैं उनके लिए। तो आई होप आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। भगवान के आपका समय शुभ हो। टेक केयर एंड बाय बाय।